बीजेपी ने मध्य प्रदेश में राज्यपाल से तत्काल फ्लोर टेस्ट करने की मांग की है। बीजेपी का दावा है कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। पार्टी की ओर से शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा ने लालजी टंडन से मुलाकात की। राज्यपाल से मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार को कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है। 16 तारीख से बजट सत्र होना है, इससे पहले सरकार को फ्लोर टेस्ट देना होगा। वहीं बेंगलुरु में मौजूद 22 विधायकों के वापस आने को लेकर शिवराज ने कहा कि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि अल्पमत की सरकार बजट पेश नहीं कर सकती और न ही राज्यपाल का अभिभाषण करा सकती है। कांग्रेस संवैधानिक संकट खड़ा करने की कोशिश कर रही है। विधायक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और केंद्र की सुरक्षा मांग रहे हैं। हमने उन्हें सुरक्षा देने की मांग भी राज्यपाल से की है। इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैं फ्लोर टेस्ट देने के लिए तैयार हूं। बता दें कि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सिंधिया के खेमे में 22 विधायक हैं और इन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और इनमें से ज्यादातर विधायक बेंगलुरु में ठहरे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इन विधायकों को बंधक बनाया गया है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।